केतु के कुंडली में शुभ होने के कौन कौन से संकेत होते हैं, केतु शुभ केतु हमें कौन कौन से सुख दे सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, केतु सिर्फ हानि ही नहीं बल्कि हमें शुभता भी प्रदान कर सकता है। केतु के शुभ होने का यहाँ सीधा सीधा आशय है कि केतु वृश्चिक या धनु राशि में होगा तो शुभ होगा। केतु के ऊपर बृहस्पति शुक्र की दृष्टि होगी तब केतु शुभ होगा, चंद्रमा की दृष्टि होगी तब केतु शुभ होगा। तो अगर जन्म कुंडली में केतु शुभ है तो ऐसे लोगों को मकान दुकान गाड़ी का सुख मिलता है, मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति भी होती है, संतान सुख भी मिलता है, संतान आज्ञाकारी भी होती है। और केतु अगर जन्म कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास की क्षमता मिलती है, अर्थात कोई घटना घटित होने वाली है तो उसका पहले आभास हो जाता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अपने कुल को तारने वाला भी होता है। केतु शुभ होने पर व्यक्ति के पैर बहुत मजबूत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए केतु की शुभ स्थिति व्यक्ति के लिए वरदान बन सकती है। एक बात मैंने पहले ही कहा है कि केवल केतु को पापक ग्रह मत मानिए, इसकी स्थिति और परिस्थिति के कारण ये शुभ ग्रह जैसा भी फल देता है। जय मां विंध्यवासिनी।